नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी है, आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बुलेरो गाड़ी साउंड प्रूफ हो सकती है कि नहीं हो सकती, एक हमारे फ्रेंड हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, बार बार कमेंट भी कर रहे थे, नमस्ते फ्रेंड्स उनका नाम है। वैसे उन्होंने दिया था कि उनका नाम हिमांशु है, तो हिमांशु जी, साउंड प्रूफ ये गाड़ी हो सकती है? हाँ हो सकती है, पर जिस लेवल के आप सोच रहे हैं उस लेवल की ये नहीं हो सकती। जैसे कि आप बात कर रहे थे कि बिल्कुल लग्जरी गाड़ियों की तरह, नहीं, लग्जरी गाड़ियाँ आपकी 30 लाख से अब आती हैं, उतने में तो बुलेरो 3-3 हज़ार। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हम आप कर सकते हैं। बात करें मैंने क्या किया है, तो मेरे को देखिए, एक्चुअल में मैं बताऊँ, साउंड प्रूफ में इस गाड़ी में फ़िलहाल मेरे को ठीक ठाक नॉइस कैंसिलेशन है, अच्छा खासा है। इस गाड़ी में हो गया, पावर प्लस में हो गया, इनमें ठीक ठाक नॉइस कैंसिलेशन। अब नई वाली में तो कह रहे हैं कि और अच्छा है। और माफ़ कीजिएगा, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है क्योंकि देखिए पानी गिर रहा है, तो थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी आपको टाइम भी दिखा दूँ मैं, टाइम क्या हो रहा है ये देखिए, 3:28 हो रहे हैं दिन के, और मेरे को लाइट जलानी पड़ रही। मैं साउंड प्रूफिंग के लिए बात करूँ, पहले साउंड प्रूफिंग के लिए वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं लोग, क्या इसमें क्या होता है कि नीचे एक मैट बिछी रहती है, उसमें हल्के हल्के धागे टाइप के निकले रहते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो मैं दिखाऊंगा, ये आपको दिख रहा है जी, इस टाइप की मैट होती है, वो अच्छी होती है। पर दिक्कत ये होती है कि उसमें अगर पानी वानी चला जाए ना, तो वो फिर बदबू मारने लगती है। साउंड प्रूफिंग का ये बताऊँ कि जैसे आपका ये गेट है, गेट आपको भले सॉलिड दिख रहा होगा पर इसमें अंदर बहुत कम खांचे हैं, उसमें आपको लगाना पड़ेगा अपना पेपर जो आता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए, वो आपको पेपर लगाना पड़ता है। चाइनीज़ अगर आप पेपर लगाते हैं, मैं तो जहाँ तक मैं जानता हूँ तो चाइनीज़ पेपर, जहाँ रिव्यू भी मैंने देखी, चाइनीज़ पेपर थोड़ा सस्ते आते हैं पर वो बाद में मेल्ट हो जाते हैं, बदबू देने लगते हैं, तो उनको मत लगाइए। अगर जो थाईलैंड में मेड होते हैं या फिर आपके रसिया में मेड होते हैं, उनकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होती है। प्रॉपर साउंड प्रूफिंग की बात करें तो आपको ऊपर करना पड़ेगा, नीचे पूरा डेक करना पड़ेगा, पूरे आपके चारों तरफ ये, इनको भी साउंड प्रूफ करना पड़ेगा। वो एक्चुअल में थोड़ा सी प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें आपको लगाना पड़ेगा कम से कम गिरी हालत में 50 से 60 हज़ार तो लगना ही लगना है, वो आप बिल्कुल छोड़ ही दीजिए कि अगर उससे कम लगेगा तो लगेगा। इसमें क्या है, बुलेरो गाड़ी में खासकर बात करूं, इसमें इतने हैवी चद्दर है ना, जब आप 80 के ऊपर चलाते हैं ना, ये खुद पूरी गाड़ी वाइब्रेट करती है, ये पूरा, ये इनमें इतना ज़्यादा आवाज़ आती है जिसकी कोई हद नहीं है इसका नॉइस। और दूसरी बात क्या है कि बुलेरो गाड़ी में क्या होता है, ये कमानी होती है। अगर आपको दिखाऊँ मैं, ये आप दिख रहा है, ये कमानी साफ साफ दिखाऊँ मैं, ये कमानी, जब गाड़ी आपकी चलती है ना तो कमानी में भी आपकी आवाज़ आती है। आप इसमें कितना भी अच्छा टायर लगा लें, आप अच्छे खासे ख़राब या अच्छे जगह पे अगर आप जाएंगे तो इसमें टायर की भी आवाज़ आएगी। और दूसरी बात क्या है, गाड़ी भी आवाज़ करती है, जो आप प्रीमियम गाड़ी की बात कर रहे हैं उतना नहीं, क्योंकि मालूम क्या है, एक तो ये बड़ी गाड़ी है, जैसे 80 के ऊपर आप चलाएंगे ना, विंड नॉइस काफ़ी ज़्यादा आती है, काफ़ी ज़्यादा आती है। अगर इतना कैंसिलेशन हो पाता है तो आप कर सकते हैं, पर हाँ ये है कि आप इसमें कितना भी लोड डाल दें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो सीट्स आती हैं नॉइस कैंसिलेशन की, वो आप कितना भी डाल दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं बताऊँ मैंने क्या किया है, नॉइस कैंसिलेशन तो मैं नहीं बोल सकता, पर देखिए पहले सबसे पहले ये कंपनी वाला ये जो है ये लगा हुआ है, फिर उसके बाद मैंने ये मैट बिछाई हुई है, ये देखिए ये, फिर उसके बाद ये मैंने हैवी वाला जो मिलता है प्लास्टिक का, जैसा आपका वो रहता है करीब, जैसा आपका बेल्ट रहता है फाइन वेट, उस टाइप का ये क्वालिटी है, ये यूज किया है मैंने, ये देखिए बहुत हैवी क्वालिटी का। फिर उसके बाद मैंने ये मैट यूज किया, ये मैट भी काफ़ी अच्छी है, और इसमें तो इतना है क्योंकि ये बार बार फिसल जाता है। फिर उसके बाद मैं ये भी यूज करता हूँ इनको, तो मेरे में मैं तो इतना नहीं कहूँगा कि साउंड प्रूफ बहुत ज़्यादा है, पर ठीक ठाक, मतलब आवाज़ नहीं आती। मैं विटारो ब्रेजा में बैठा हूँ, रेनॉल्ट डस्टर में बैठा हूँ, और सही कई गाड़ियों में बैठा हूँ, डीजल की नॉइस आपको आएगी ही आएगी, आप कितना भी कुछ कर लें, डीजल की नॉइस
डीजल इंजन की नॉइस आती है। लग्जरी गाड़ियों की बात अलग कर लें। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि मैं बैठा था एक जगह पे, जो नई वाली वैगन आर आती है, वो बंदा आया, गाड़ी खड़ी किया, थोड़ा रोड पे उसकी गाड़ी थी, तो उसने, मैं भी वहीं पे बैठा था, तो उसने बोला कि रोड पे है, कहीं इधर उधर लग न जाए, हाईवे था, तो उसने कहा कि चलिए मैं अंदर खड़ी कर दूँ। मैं बैठा ही रह गया, मेरे को न उसकी सेल्फ की आवाज़ सुनाई दी, न इंजन की आवाज़ सुनाई दी, इतना साइलेंट था। आप पेट्रोल गाड़ियों से कंपेरिजन नहीं कर सकते कि आपका बिल्कुल एक नंबर हाई क्वालिटी का यूज होगा, नहीं, आप वो नहीं कर सकते। हाँ, आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात देखिए, बुलेरो गाड़ी में जहाँ पे जो हैवी वाला स्पीकर लगा रहता है, 6 इंच वाला, वो स्पीकर यहाँ पे लगा है, जब वो बजता है ना, तो यहाँ तक इसका पूरा वाइब्रेशन आता है। आपको मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। NCS का गाना मेरे को ढूंढना पड़ेगा। देखिएगा, मैं आपको इसका वाइब्रेशन सुना दूँ। अगर आपको आवाज़ आती होगी तो, और ये सिर्फ 25 पॉइंट पे, इससे ज़्यादा पॉइंट पे नहीं है। इस पर भी वाइब्रेशन आता है, और ये क्या है कि आप अगर ध्यान से दिखाऊं मैं तो, चलिए आप हर जगह पे लगा लेंगे, पर यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का है, उस बॉक्स को कैसे आप बचाएंगे? पूरा अंदर से गाड़ी भी वाइब्रेट करती है। आप इसमें कर सकते हैं, पर आप वो जो सोच रहे हैं ना कि नहीं मैं बिल्कुल नॉइस गायब भी कर दूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। सामने भी इसके इंजन से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, अब तो नई प्लस में भी, और जो नई वाली है 2020 में आ रही है, उनका तो खैर साउंड कम है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऐसे में नहीं बंद होती, इसको ऐसे बंद किया, बंद करना पड़ता है। तो थोड़ी सी हैवी गाड़ी है, आप ध्यान आप लगा सकते हैं, पर मैं आपसे सही बताऊं, लग्जरी फीलिंग तो आपको आएगी नहीं, थोड़ा बहुत नॉइस कैंसलेशन हो जाएगा, क्योंकि 80 के बाद ना इसका विंड नॉइस बहुत ज़्यादा होता है। साउंड में आप लगा रहे हैं तो ठीक ठाक साउंड आएगा। आप सबसे अच्छा आइडिया मैं आपको बताऊं, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन अगर ज़्यादा आता है ना, घर वाले आपको अलाउ करते हैं, तो आप हैवी वाला साउंड सिस्टम लगवा लीजिए, उसी से काम चलाइए। और देखिए, इंजन की तो आएगी ही, क्योंकि ये डीजल इंजन, आपके में तो कम आती होगी, आपकी अगर प्लस होगी या नई वाली होती, मेरी तो 2500 सीसी है, पर फिर भी ठीक है। ब्रेजा का भी और डस्टर का भी, इनका भी, खासकर फोर्ड का भी लगभग इतना ही जाता है, जबकि 2500 सीसी उनकी तो कम ही है, 1200-1300 सीसी है, तो भी उनकी भी आवाज़ इतनी ही आती है। बढ़िया, अच्छी गाड़ी है, आप यूज करिए। अब आपको 50,000-60,000 लगाना है तो आप लगा सकते हैं, पर देखिए, कभी भी उतना अच्छा है आपको फीडबैक मिलना मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जो आप लग्जरी गाड़ियों के कह रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, गेट खोल के, गेट इसका आराम से बंद तो होता नहीं कि आप आराम से बंद कर दो, आपको थोड़ा सा प्रेशर तो लगाने पड़ता है। तो अब आप इन सब चीज़ों से समझ सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये देखिए, इसका ब्लोवर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है। अब आपको पीछे वाले पैसेंजर को अगर हवा देनी है, बीच में नहीं है कोई भी अलग से एसी वेंट, तो आपको इसको करने के लिए 3 पे करना पड़ेगा। 3 में इसका ब्लोवर भयानक आवाज़ करता है, बहुत ज़्यादा। आपको मैं सुनाता हूँ ना, 1 पे आवाज़, अब आप समझ रहे हैं, नॉइस कैंसलेशन आप कर सकते हैं, इसका ब्लोवर है इतना तेज़ है, कहाँ से नॉइस कैंसलेशन इतना कर सकते हैं? करवा सकते हैं आप, करवाइए, पर उतना वर्थ इट नहीं रहेगा, अगर सीधी सीधी बात में कहूँ, उतना वर्थ इट नहीं रहेगा। बाकी ऐसी वीडियो आपको आई बटन पर मिलती होगी। आपका एक छोटी सी आपको रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, अगर आपको कोई भी गाड़ी की प्रॉब्लम है ना, मैंने फेसबुक का नीचे पेज दिया है, आप वहाँ पर जाके डायरेक्ट आप
अपने फीडबैक दे सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो वो भी दे सकते हैं। अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं मेरे को ये वीडियो डालनी चाहिए, उस यूट्यूब में कहीं पे उसका रिजल्ट नहीं दिया है, तो मैं ज़रूर वो वीडियो डालूंगा। और अच्छी बात ये है कि अगर किसी को मालूम होगा ना, तो आपको कमेंट के थ्रू उसका रिजल्ट आंसर मिल जाएगा। अगर आप कहीं पर प्रॉब्लम है या फिर किसी और के साथ सिमिलर चीज़ें हो रही हैं, तो अब उसका भी आपको पता चल जाएगा। तो अगर हो सके तो ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत है, नहीं है तो कोई अच्छी बात है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।